अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। आप देख रहे हैं चैनल वन डिश वन टिप। आज आपके लिए नवाबी सवैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप कस्टर्ड सवैयाँ भी कह सकते हैं, लेकिन इस कस्टर्ड सवैयों में सवैयाँ ड्राई होती हैं, कस्टर्ड में भीगी हुई नहीं होती। जैसे आमतौर पर कस्टर्ड में सवैयाँ डालकर पकाई जाती हैं, वैसी नहीं होती। इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ हैं। ये 120 ग्राम्स सवैयाँ हैं, यानी एक पैकेट की सवैयाँ हैं। इन्हें हम पहले तोड़कर छोटा छोटा कर लेते हैं, इस तरह भूनने में आसानी रहेगी। फिर जब भूनेंगे तब मज़ीद छोटा कर लेंगे। ये कुछ बादाम हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ऐसा करने से इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक बादाम को सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ देर में पानी ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका रिमूव करेंगे। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये कुछ नट्स और एक आध ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें पिस्ता, काजू, अखरोट और किशमिश हैं। इन्हें हम 2 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद सवैयों पर स्प्रिंकल करेंगे। अखरोट के बड़े बड़े पीसीज हैं, तो इसलिए इसे हम तोड़कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक चौथाई यानी 1/4 कप दूध लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो फिर कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉर्नफ्लावर इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरा मैंगो कस्टर्ड पाउडर है जो कि तेज़ कलर में होता है, जबकि मुझे इससे थोड़ा लाइट कलर चाहिए। अगर आपने वाइट कलर में बनाना है तो फिर कस्टर्ड के बजाय सिर्फ कॉर्नफ्लावर ऐड करें। दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। दूध में बॉईल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर। आप जब भी कस्टर्ड का मिक्सचर दूध में ऐड करें तो कभी भी एकदम सारा ऐड ना करें, हो सकता है लम्स बन जाएं। और दूसरा, अगर आपसे कस्टर्ड की मेजरमेंट ठीक नहीं होती तो फिर पहले कम डालें, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद कितना डालना है जिससे थिकनेस हो जाए। और अगर ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाए तो थोड़ा सा दूध ऐड करके मिक्स करेंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी। अच्छा, ये शुगर दूध में डालने से रह गई थी तो इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने शुगर पहले ही डालनी है, आप बाद में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं भूल गई तो मैं अब डाल रही हूँ। शुगर डाली है तो इसे मज़ीद थोड़ा सा और पका लेते हैं। मैंने 6 टेबलस्पून शुगर के ऐड किए हैं, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अब नट्स और ड्राई फ्रूट को 2 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं और चाहें तो देसी घी भी डालकर रोस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट्स हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा मेल्टेड घी ऐड किया है और इसमें अपनी सवैयों को रोस्ट करेंगे। सवैयाँ 120 ग्राम्स थी, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने और ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो विदाउट घी या फिर ऑयल के इन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। भूनते हुए हमने स्पैचुला के साथ इस तरह से तोड़कर इन्हें मज़ीद छोटा कर लेना है। अब इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम ठंडा दूध ऐड करेंगे। अगर आपने शुगर ऐड करनी है तो दूध में मिक्स करके ऐड करें, नहीं तो फिर कस्टर्ड में ज़्यादा शुगर ऐड कर दें। मैंने कस्टर्ड में शुगर ज़्यादा ऐड कर दी थी, इसलिए अब सवैयों में ऐड नहीं करेंगे। दूध डालते साथ ही सवैयाँ फूलना शुरू हो जाएंगी। 2 मिनट्स तक हमने इसे पकाना है, इसके बाद लिड लगाकर कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। सेवन एट मिनट्स दम पर रखने के बाद लिड हटा देंगे। अब चम्मच के साथ थोड़ा हिला लेंगे ताकि अगर सवैयाँ जुड़ी हुई हैं तो खुल जाएं। वैसे ये जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे ही चम्मच के साथ हिला जुला कर ज़रा मिक्स कर लेते हैं। उधर जब तक हमने सवैयों का काम किया, इधर बादाम वाला पानी जिसे माइक्रोवेव में गर्म किया था और बादाम सोख किए थे, अब वो ठंडा हो गया है
और ये देखें इसका छिलका कितने आराम से रिमूव हो रहा है। अब बादामों को हम हाफ ऑफ कर लेंगे, आप चाहें तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये हाफ ऑफ हो रहे हैं। अब एक डिश लेंगे, इसमें हाफ सेवइयों की एक लेयर लगाएंगे, फिर इसे ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते हुए बराबर कर देंगे। इसके बाद इन सेवइयों पर कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। और अब ऊपर बाकी की सेवइयों की लेयर लगा देंगे। इसके बाद नट से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। चलें जी, हमारी नवाबी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जिसने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। आपने वीडियो का अभी एक पार्ट देखा है, दूसरा अभी बाकी है। आप मेरे साथ आएँ, आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। आप में से जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें तो सब पता होगा ही, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी और सिर्फ यही देखी है तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि ये रिवर टेम्स है जो कि लंदन में है। जब आप लंदन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बसेस के थ्रू करते हैं, ट्रेन से करते हैं, ट्यूब से करते हैं और रिवर बसेस से करते हैं, तो इनमें से रिवर वाली जर्नी ज़बरदस्त रहती है क्योंकि आप खूबसूरत नज़ारे करते हुए जाते हैं। सेंट्रल लंदन जाते हुए लोग अपनी कार्स में कम जाते हैं क्योंकि फिर वहाँ पार्किंग का इशू रहता है। सेंट्रल लंदन पहुंचकर मैं आपको वहाँ की कुछ अट्रैक्शन दिखाऊंगी, जिसमें बकिंघम पैलेस, लंदन आई, बिग बेन और लंदन टावर है। वैसे तो और भी बहुत सी अट्रैक्शंस हैं लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही वाली दिखाऊंगी। टावर ब्रिज से हम गुजर कर जाएंगे तो वो आप यहीं से देख लीजिएगा। ये एक स्टॉप आ गया है, हमारी बोट यहाँ रुकेगी। ये आप देख रहे हैं कि क्यू में लोग खड़े हैं, बोट इन्हें लेकर फिर आगे को चल पड़ेगी। चलें जी, अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अब बाकी के क्लिप्स देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी, एंड तक मेरे साथ रहे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी और कुछ क्लिप्स के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।